आपके जिस्म में कुछ और चीजें भी डाली गई जिनको लताए बोलते हैं। उन लताए में से एक लतीफा नफ्स है। जब वो आपके जिस्म में डाला गया, आपका जिस्म नूरानी था तो वो भी नूर हो गया। अब आप फरमाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान जिन भी पैदा होता है। इसाबा ने पूछा, आपके साथ भी पैदा हुआ होगा? आपने फरमाया, पैदा जरूर हुआ था लेकिन वो मेरी सोबत से मुसलमान हो गया। अब आपके जिस्म में तो नूर था, वो नूर हो गया। अब जो आम आदमी है उसमें नूर ही नहीं है तो उसके नफ्स कैसे नूर होगा? ये जो गोश्त है ये कोई नापाक नहीं है। इसके अंदर जो रूहें डालेंगे, लताए डालेंगे, वो भी नापाक नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर नफ्स आया तो ये जिस्म नापाक हुआ। बल्ले शाह फरमाते हैं, इस नफ्स पलीत ने पलीत कीता, असा मुंडू पलीत ना से। हम कोई पलीत नहीं थे लेकिन जब ये नफ्स आया तो हम नापाक हो गए। अब जब नापाक हो गए, नबियों के नफ्स मुतमन्ना है, वो इंसानी शक्ल में, लेकिन आम आदमी के नफ्स कुत्तों की तरह है। वो नफ्स उनकी शक्ल है कुत्तों की तरह है। वो कुत्ते मौजूद हैं। एक हदीस ही में है कि जिस घर में कुत्ता होगा वह रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो इस नफ्स कुत्ते ने कहा, मैं नहीं, वो कुत्ता, मुझे नहीं कहा गया, वो नहीं, इसी को कहा गया। वो कुत्ता तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए हिफाजत के लिए जन्नत में बनाया गया था। आज तक वो हिफाजत कर रहा है। घर में ही होगा तो हिफाजत करेगा ना। अगर गली के कोने में बांधा होगा तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा? वो कुत्ता नहीं, ये कुत्ता, ये इसके घर है, ये जिसके अंदर ये कुत्ता है, इसको नफ्स अम्मारा बोलते हैं, वो नापाक है। हदीस में है कि कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके ऊपर लानत करता है। वो जिनके नफ्स कुत्ते हैं, वाकई वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके ऊपर लानत करता है। मजल साहब फरमाते हैं, मुब्तदी को चाहिए कि पहले जिक्र अल्लाह करे। कुरान उन लोगों के काबिल नहीं है जिनके नफ्स कुत्ते हैं। अपने नफ्स को जिक्र से पाक करे, अपने नफ्स को जिक्र से पाक करे। जब नफ्स पाक हो जाए फिर कुरान पढ़े, उस वक्त एक लम्हा फिक्रिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहबरे रहनुमा। अब रहा सवाल, क्यों नफ्स पाक कैसे हो? जब तक नफ्स पाक नहीं होता तुम्हारी कोई इबादत अंदर ठहरती नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कुत्ता है तो यकीन करो, जिस तरह एक दरबार बना लिया, बाहर कलमा लिख दिया, झंडे लगा दिए, अंदर काफिर बैठा दिया, धोखा है ना। इसी तरह बाहर से दाढ़ियां, तस्बीहां, नमाजें, लेकिन अंदर वो कुत्ता काफिर बैठा हुआ है। ये शख्स जबरदस्त अपने आप से धोखा है। अब उस नफ्स को कैसे पाक किया जाता है? जब तक नफ्स पाक नहीं होगा कोई मंजिल मिलेगी नहीं, इंसानियत की मंजिल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसा उसका नफ्स होता है बातन वालों को, वो वैसे ही दिखता है। एक दफा राबिया बसी रहमतुल्लाह ने अपने गुलाम को कहा कि तेल ले आ, लेकिन किसी इंसान से लेना। तो वो कहने लगा, मुझे तो सारे इंसान लगते हैं। उन्होंने अपना एक बाल दिया, इस बाल की गोलाई में देख लेना, जो इंसान नजर आया इस बाल की गोलाई में उससे तेल लेना। और सारा दिन घूमते रहे, वो कोई गधा नजर आ रहा है, कोई कुत्ता नजर आ रहा है, बड़ी मुश्किल से एक आदमी जो है ना वो इंसान नजर आया और उससे तेल खरीदा, उसका नफ्स पाक था। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में एक औरत नंगी घूमती, लेकिन जब शाह अब्दुल अजीज को देखती तो पर्दा कर लेती। खलीफा कहता है कि क्या वजह है, आप बूढ़े भी हैं, आप ये पर्दा कर लेती है, हम जवान भी हैं, हमारे सामने नंगी घूमती रहती है। शाह अब्दुल अजीज ने फरमाया कि ये अंगूठी ले जाओ, अब जब वो औरत है तो ये पहन लेना, फिर तुम्हें राज का पता चलेगा। जब वो औरत आई तो उन्होंने अंगूठी पहनी, देखते हैं सब इंसानों में कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई बैल है, अपने आप को देखा बकरा, सिर्फ अब्दुल अजीज और वो औरत इंसान नजर आए।
उस वक्त शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि वो कहती है मुझे सारे जानवर नजर आते हैं, मैं पर्दा किससे करूं। अब वो नफ्स पाक कैसे होता है? एक बाहर की नमाज रोजे उस तक नहीं पहुंचते, वो तो अंदर है, वो तो नसों में है, तुम बाहर से उसको डंडे मार रहे हो। ये नमाज रोजा इतना है कि बस डंडे उसको मारे सांप को, लेकिन अंदर वो धक्का हुआ, जब डंडे छोड़े फिर बाहर निकले। जब तक उस तक हथियार नहीं पहुंचेगा तो कैसे पाक आएगा? आप उसको पाक कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। कुछ लोग जंगलों में चले गए, रोजे रखने शुरू किए, भूख प्यासी काटी, उसको नफसानी गजा नहीं दी, जिक्र वगैरह की गजाएं दी, नमाजें, तो उनसे नफ्स पाक हुए। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, उसके लिए कोई कोई कामयाब होता है और कोई कोई जंगलों में जाता है। और एक और तरीका जो शहरियों के लिए है, शहरियों को भी जरूरत है नफ्स पाक करने की, जो शहरियों के लिए तरीका है उसके लिए उनको कहीं से जिक्र कलब ढूंढना पड़ता है। जिक्र कलब क्या होता है? अब कहते हैं कि कुरान मजीद में नूर है, कहते हैं ना, एक सिख ने कहा मैं तुम्हारा आलम रह गया तो मैं तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता रहा, अगर कुरान में नूर होता तो मैं नूरी क्यों नहीं हुआ? एक ईसाई बोल उठा कि मैं शब और रोज कुरान का मुताला करता हूं, नूरी मैं भी क्यों नहीं हुआ? और हमने कहा तुमने दिल से नहीं पढ़ा। वो कहने चलो हमने दिल से नहीं पढ़ा, तुम्हारे मुसलमान तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? अगर वो सारे नूरी हो जाते एक दूसरे को काफर मुनाफिक क्यों कहते? वाकई उसने सही कहा, किसी किसी को कुरान से नूर हासिल करने का तरीका आता है, हर कोई कुरान से नूर हासिल नहीं कर सकता है। जिस तरह बादल बादल से टकराते हैं बिजली बिजली बनती है, लोहा लोहे से टकराता है चंगारी निकलती है, कुरान की आयतें जब आयतों से टकराती हैं तो नूर बनता है ना। अब कुरान पढ़ने वालों से पूछो तुमने कभी आयतों को आयतों से टकराया? वाह। और जिन लोगों ने टकराया वो आमल बन गए। कुछ लोगों ने तस्बीहों के जरिए जो टिक टिक तस्बीह करती है इसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाते हैं, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा देते हैं, 101 दफा अल्लाह अल्लाह होती है तो मामूली सी नूर की चंगारी उठती है, मामूली सी। लेकिन ये क्या करते हैं 10-12 दफा अल्लाह अल्लाह करी और पूछते हैं भाई क्या अल्लाह खैरियत है, वो तसलसल टूट गया, अब नूर कैसे बनेगा? कुछ लोगों ने फिर वो राह सीख लिया, ये दिल की धड़कन है, ये भी तस्बीह है, दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाना शुरू कर दे। जब वो दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा तो फिर वो अंदर नूर बनना शुरू हो गया, तो फिर वो नूर बाहर नहीं निकला, उंगलियों में नहीं गया, वो नसों में चला गया। जब नसों में गया, नसों से फिर वो खून में गया, खून से फिर वो रूह तक पहुंचा, जब रूह तक पहुंचा तो रूह ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। फिर जब रूह ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी फिर तुम कब्र में भी चले जाना तो वहां भी रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी, यौम महशर में भी ये रूह अल्लाह अल्लाह करती रहेगी। फिर उस वक्त क्या होगा कि वो नूर अल्लाह अल्लाह का नूर तुम्हारे दिल में जमा हो जाएगा। जब उन नसों में नूर जाएगा तो फिर जहां नफ्स है तो उसको भी नूर घेर लेगा, चारों तरफ से उसकी गजा बंद हो जाएगी, फिर बेहालत मजबूरी उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। नारे तकबीर, तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, बेहालत मजबूरी भी उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। कलमे के असर से काला कुत्ता था फिर सफेद कुत्ता हो गया, फिर कलमे के असर से उसकी शक्ल बैल की तरह हो गई, फिर बकरे की तरह हो गई, फिर एक दिन उसकी शक्ल तुम्हारी तरह हो गई। फिर उसको पकड़कर हजूर पाक की महफिल में ले गए। हाजरीन और हजूर पाक अश अश कर उठे, आफरीन है इसके ऊपर और इसके मुर्शिद के ऊपर कि जिसने कुत्ते को पाक किया, इंसान बनाया।
میری محفل میں لے آیا ہے. اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دے دیتے ہیں, اب اس کی رضائی ادھر ہو جاتی ہے, رسائی ادھر ہو جاتی ہے. اس کو اب معارف کہتے ہیں, وہ پہلا عارف ہے, اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گیا.